हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में बात करेंगे कार्यालय विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आई हुई वैकेंसी के बारे में। पिछले कुछ दिनों आप लोगों ने देखा था कि बस्तर में भी जो कर्मचारी चयन बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे उनमें जो कैटेगरी 3 और 4 के लिए जो वैकेंसीज आई थी, उसी तरीके से यहाँ पे कोरबा ज़िले के अंतर्गत ये वैकेंसीज आई हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की डेट और ये जो पोस्ट निकाले गए हैं, देख सकते हैं 243 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। और इनमें फार्मासिस्ट के पोस्ट हैं, ड्रेसर के पोस्ट हैं 1-2, और उसके बाद फिर यहाँ पर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, महिला पुरुष, ओटी अटेंडेंट, आया वार्ड बॉय, ये सारे ही लगभग 4th ग्रेड के अंतर्गत ये देखेंगे। चौकीदार है, वार्ड बॉय है, आप है ना, ये सब अटेंडेंट, कुक, इन सभी की वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप किस वेबसाइट से कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं ये वेबसाइट मेंशन की हुई है। तो इसके लिए आप फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, तो ये देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की जो डेट है वो 21 तारीख से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, 21 मार्च से, और रात को यहाँ पर 12 बजे के पहले तक 10 अप्रैल तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। देन उसके बाद एप्लीकेशन को सुधारा जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और अंतिम, और उसके बाद फिर यहाँ पर दावा आपत्ति के बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो यहाँ पे वैकेंसी का आप डिटेल देख पाएंगे कि कितने पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग वैकेंसी का डिटेल, तो यहाँ पर देखेंगे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के अंतर्गत 15 वैकेंसीज़ हैं, ड्रेसर के लिए भी 3 वैकेंसीज़ हैं, ड्रेसर 1 के अंतर्गत 23 वैकेंसीज़ हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए देख सकते हैं 60 वैकेंसीज़ हैं। और इन्हीं वैकेंसीज़ को फिर फर्दर यहां पर आपके डिवाइड किया गया है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं इसको। और यहां पर देखेंगे ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के अंतर्गत 26 वैकेंसीज़ हैं, भृत्य के 7 वैकेंसीज़ हैं, वार्ड बॉय के यहाँ पर 30 वैकेंसीज़ हैं, वार्ड आया के 40 वैकेंसी हैं, स्वच्छक के आपके 22 पोस्ट हैं, देन उसके बाद चौकीदार के 5 पोस्ट हैं, ओटी अटेंडेंट के यहाँ पे 7 पोस्ट और कुक के 4 पोस्ट हैं। तो इस तरीके से टोटल 243 पोस्ट पे ये वैकेंसीज आई हैं। और यहाँ पे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो देख सकते हैं फार्मिस्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है, तो यहाँ पर फार्मेसी मांगा गया है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल से आपका पंजीयन रजिस्ट्रेशन लाइव होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे ड्रेसर ग्रेड 1 की, तो यहाँ पर देखेंगे 12th पास मांगा गया है, उसके बाद फिर आर्थोपेडिक कम ड्रेसर में यहाँ पे पैरामेडिकल में आपके पास पैरामेडिकल की डिग्री होनी चाहिए, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से ड्रेसर के रूप में लाइव रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ड्रेसर 2 के लिए भी वैकेंसीज़ में यहाँ पे देख सकते हैं 10th पास मांगा गया है। अगर हम ग्रामीण संयोजक पुरुष या महिला की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 12th पास मांगा गया है, उसके बाद यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के तौर पे आपको 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर शासन के द्वारा समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, और उसके बाद फिर पैरामेडिकल से आपका रजिस्ट्रेशन लाइव होना चाहिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे। देन उसके बाद हम बात करें 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उसके लिए, तो 8th पास मांगा गया है यहाँ पर, और देखेंगे कि जो आपके वार्ड बॉय है, आपके आया है, स्वच्छक है, चौकीदार है, ओटी अटेंडेंट या कुक हैं, उनके लिए ये वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पर देखेंगे नियम और शर्तें लिखी हुई है, इसको आप लोग केयरफुली पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से हमको अप्लाई करना है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, और समय समय पर जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा छूट दी जाती है विभिन्न वर्गों को वो यहाँ पे लागू रहने वाली है। और यहाँ पर नीचे देखेंगे आप चयन किस प्रकार होगा, तो पहले मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार की जाएगी आपका, यहाँ पे देख सकते हैं ये सिलेक्शन जो है
किस प्रकार से होगा, आपका चयन सूची किस प्रकार बनेगी। तो जो आपके फार्मिस्ट या के ग्रेड टू की बात करें तो यहाँ पे 80% आपके जो डिप्लोमा है उसके मार्क्स का 80% लिया जाएगा। देन यहाँ पे प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएँ और अधिकतम 10 अंक यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके बाद फिर अगर आप कोरोना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं तो उसके लिए भी बोनस आपको 10 अंक दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो आपका सैलरी आपको जो मिलने वाली है वो 5,200 से 20,200 यानी कि लेवल 6 और 2400 ग्रेड पे ये वैकेंसीज़ के लिए आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। उसी तरीके से अदर भी जो यहाँ पर देखेंगे ड्रेसर है उसके लिए किस प्रकार से अंक को विभाजन किया गया है यहाँ पर, उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष और महिला की बात करें तो यहाँ पर भी सेम आपके जो विज्ञान विषय में जो 12th है 12वीं आपने किया है उसका 80% लिया जाएगा। देन यहाँ पे आपको आपकी एक्सपीरियंस के आधार पर यहाँ पर 10 अंक प्रदान किए जाएंगे और कोरोना महामारी में अगर आपने सेवाएं दी हैं तो बोनस 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। और उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होगा। इसी तरीके से और भी जो आपके देखेंगे महिला के लिए हो गया, पुरुष के लिए हो गया, और यहाँ पर देख सकते हैं चतुर्थ कर्मचारी ग्रेड के लिए जो सैलरी है यहाँ पे मेंशन की हुई है और यहाँ पे ग्रेड पे 1300 ग्रेड पे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 4,750 से 7,440 के अंतर्गत ये ग्रेड पे में आपको सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं 8वीं पास का आपको 80% वेटेज लेते हुए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस और आपके कोरोना महामारी के जो हैं अगर आपने वर्क किया है तो उस पर आपको बोनस अंक प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये देख सकते हैं ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है कुछ इस तरीके से, आप अनुभव का फॉर्मेट है ये देखेंगे आप लोग। और यहाँ पर एप्लीकेशन की जो फीस है वो यहाँ पर बता दी गई है, सामान्य वर्ग के लिए 350, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250, विशेष पिछड़ी जनजाति कोरबा के लिए देख सकते हैं 50 रुपया। और यहाँ पर देखेंगे दिव्यांग हैं या फिर अनुसूचित जाति जनजाति या निःशक्त जन के लिए यहाँ पर 200 रुपये की फीस रखी गई है इस एग्ज़ाम के लिए। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, आपको प्रिंट करा के यहाँ पे अप्लाई करना है। आपको परीक्षा अवधि में भी रखा जाएगा 3 सालों के लिए अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो। और यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से अंकों को जोड़ा जाएगा और फिर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, तो उसको केयरफुली पढ़ पाएंगे आप लोग। और एप्लीकेशन ऑनलाइन तरीके से ही अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वैकेंसी आप लोगों को पसंद आए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ।